हैंडक्राफ्ट में आपका स्वागत है। आज मैं एक और बड़ा सा रिंग बनाने जा रही हूँ, जिसके लिए कुछ मटेरियल मैं आपको दिखाती हूँ, इसमें क्या क्या लगने वाला है। ठीक है, ये रेंचन स्टोन है, इसका यूज होगा। और एक ये बैंगल से कट करके मैं फिंगर रिंग बनाऊँगी, ये देखिए इस तरह से। उसके बाद कुछ और आर्ट क्राफ्ट का यूज हम करेंगे, जैसे कि आपको दिखा रहे हैं। ये स्टोन हो गया, ये कुछ स्टोन हो गया, इस तरह से मटेरियल का हमें यूज पड़ेगा इस फिंगर रिंग को बनाने में। अब इसको हम बताते हैं इसका यूज कैसे करना है। ये स्टोन है, इसके साइड से हमें इस स्टोन को चिपका देना है, इसके साइड से चिपकाने के बाद हमें इस स्टोन का इस तरह से यूज करना है। साइड से हमें इसको गम देते हुए ऐसे चिपकाना है। चिपकाने के बाद मैं इसका कंप्लीट दिखाती हूँ, इसका लुक। ये कंप्लीट है और इसे मैंने सीजर की हेल्प से कटिंग कर लिया है। अब इसको सिर्फ हमें उस अंगूठी के रिंग पर चिपकाना है, ये देखिए इस पर हमें चिपकाना है। इसको ऐसे रख के हमको चिपका देना है। अब चिपकाने के बाद ये कैसा लगता है मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमने स्टोन और रेनस्टोन का यूज करके ये अंगूठी का ऊपर का पार्ट्स बना लिया, और ये जो हमने चूड़ी को काट कर इसका रिंग बनाया है वो है। अब इसको हमको चिपकाना है, और चिपकाने के बाद आपको हम दिखाते हैं कि इस पहनने के बाद ये कैसा लगता है। ये मैंने इस रिंग को चिपका लिया है, ये देखिए ग्लू गन की हेल्प से मैंने इसको चिपका लिया। अब इसे मैं पहन के दिखाती हूँ, पहनने के बाद इसका लुक कैसा आता है, ये देखिए। आप इस किसी भी तरह के कपड़े के साथ यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये मल्टी कलर स्टोन है जो हर किसी कपड़े पे अच्छा लगेगा पहनने के बाद, ये देखिए। Lo murió mal, ¿verdad?